और अभी मैं फिलहाल अभी अपना घर आपको दिखा चुकी हूँ। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा कि मतलब मैं अपना घर सेटल कैसे करूँगी, क्योंकि पूरा घर डिसमेस हो चुका है और मुझे बहुत, अब राहुल और मैं दोनों मिलके कर लेंगे अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत कचरा हो गया है 2 महीने का, आप देख सकते हैं। आप करी थी मैंने तब इतना है, वो तो जमा लो नहीं करते तो पता नहीं कितना हो जाता। पता नहीं आपने कचरा नहीं निकाला है, नहीं निकाला था मैंने, पानी जाम हो रहा था ना इसलिए। ठीक है, ये देखो भाई बहुत सफाई चल रही है, गंदगी हो गई 2 महीने से बहुत सारी, तो इकट्ठा साफ करना पड़ रहा है इनको। पूरे दिन आपकी है 2 महीने का काम, ये इकट्ठे 2 दिन में करेंगी। अब ये 2 महीने से आराम कर रही थी। आराम क्यों कर रही थी? हाँ आराम रखी हुई जिंदगी में, आराम है का? और क्या, आराम है। 2 महीने से झाड़ू पोछा कहाँ लगाया तुमने? जो माता झाड़ू पोछा लगा, भगवान यार इतना सारा काम कर दिया है राहुल ने मेरे लिए, मैं क्या ही बताऊँ यार। मेरा कोई दोस्त नहीं है तुम्हें काम करने में, मैं तो अपने आप हो गया है मेरा का दोस्त। अरे यार आप तो बहुत गंदगी फैलाते हैं। मान लो ना इतने दिन सफाई नहीं करी है, इतना सफाई कर लो, का फर्क पड़ रहा है। नीचे हमारी गाड़ी रखी हुई है, हमारी गाड़ी रखी हुई है, अभी हम सामान हमने निकाल लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा सामान लेके आए थे हम। मैं गमले उठा उठा के रख रही हूँ, इतने हैवी हैवी, और ये खड़े होकर देख रहे हैं सिर्फ मुझे। और क्या, कितना बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, देखो ये मुझे सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं। और क्या, ये कोई काम है? और क्या, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे देखने कुछ नहीं बोली मैंने, अपने आप को देख रहे भैया। देखो गुलाब कितना बड़ा हो गया तुम्हारे लिए। बेचारे मेरे पौधे, मैं इनको बहुत मिस कर रही थी। ये मेरी अजवाइन को छाड़ दो, मैं तोड़ ये सफाई कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, धीरे धीरे चल रहा है गमलों का। बताओ तो मैडम क्या कहना चाहती हो आपको, कैसा फील हो रहा है आपको? चलो जी ठीक है, अब आगे चलते हैं, बनाते हैं। उतना नहीं, यह कड़ी पत्ता धोना था, उठाओ उसको, टूट जाएगी रस, उठाओ रख दो गुड़ैल वगैरह। चंपा रख दो, चंपा रख दो यार वाला छोटा वाला। एडजस्ट करने पड़ेंगे, हमारे पास जगह बहुत लिमिटेड है और पौधे हमारे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको मैं जरा बालकनी में धोलूं। ये क्या का पौधा है? चंपा का। अच्छा चंपा है, चंपा चमेली। चमेली है, चंपा नहीं है। बीच-बीच में एडजस्ट करते हैं, जगह हमारे पास बहुत लिमिटेड है। इसमें तो कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कितना हो गया है कबाड़ा हमारे घर में, और मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने बालकनी साफ कर ली है, ये देखिए पूरी साफ कर ली है। अब अच्छे सेटल हो गए हमारे पौधे, अब 1-2 दिन लगेगा उनको अच्छा होने में, क्योंकि वैसे भी सारे सूख गए थे। और ये फ्लोर मैं कल साफ़ करूँगी, अभी मैंने टेम्परेरी कर लिया है क्योंकि अभी बहुत सारा काम फैला हुआ है घर में, पूरे घर में कबाड़ा हो पड़ा है। ये देखिए
और मैं अपना लगेज दिखाती हूँ कितना सारा लेके आई हूँ मैं। ये पूरा लगेज है हमारा जो हम लेके आए हैं, तो अब इसको भी अच्छे सेटल करना है। ये हमारे डाइनिंग टेबल की हालत देखो राहुल ने क्या कर दी है, तो पूरा घर ही पूरा हॉच पॉच हो रखा है। अब मैं आपको क्या चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये हम। हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 9:52 और आप लोग देख सकते हैं कि मैं सुबह जग गई थी 7 बजे और 7 बजे से कंटिन्यू लगी हुई हूँ काम में और इतना सारा काम फैल गया है मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और अब मैं कपड़े अपने मैंने जमा लिए क्योंकि सुबह राहुल भी जग गए थे तो उन्होंने मेरे साथ हेल्प करा ली, तो अब तो उनका ऑफिस का टाइम हो गया है तो वो गए हैं नहाने के लिए। और ये देखिए ये मैंने पूरी ऊपर साड़ियाँ वगैरह लगा ली है, ये देखिए ये ऊपर पूरी साड़ियाँ वगैरह लगा ली है। अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह टांगना बाकी है और अभी तो ये कपड़ा भी अच्छे से जमाया नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो हमको जमाना है। ये देखिए ये मेरा पूरा मेकअप का फैला हुआ है, अब ये मेकअप का सामान मुझे पूरा जमाना है। ये देखो ये सारा निकाल के मैं फिर से जमाऊँगी। और ये बैग वगैरह इनमें क्या रखा है मुझे खुद नहीं पता, इतना टाइम हो गया ना तो मुझे पता ही नहीं है कि मतलब इसमें क्या रखा है क्या नहीं, ये ऐसे पड़े हुए हैं खाली क्योंकि कुछ सामान तो मैं ले गई थी और कुछ सामान मैंने बाद में राहुल से मंगवा लिए थे तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं सारे बैग दोबारा से खोल के और अच्छे से इनको जमा लूँगी। ये देखो इनमें ऑलरेडी पहले से सामान रखे हुए हैं और ये मैंने कुछ अभी माइक लैम से मंगाए थे, कुछ अभी कुछ पार्सल मेरे घर पे आ गए होंगे, कुछ यहाँ पर भी आ गए थे उनको मैंने अनपैक कर लिया है ये सब चीज़ें। तो मैं अब इनको जमाऊंगी और इन पर बहुत टाइम लगने वाला है और मुझे मेरे लिए इतना सारा काम हो गया है ना मैं क्या बताऊँ आप लोग खुद देखिए। ये देखिए इसमें चूड़ियाँ हैं ज्वेलरी है, अभी पता नहीं इसमें बनेगा अभी कि नहीं बनेगा वरना मुझे कहीं और एडजस्ट करना पड़ेंगे। तो चलो फिर मैं कर लेती हूँ ठीक है। जगह बहुत कम है और सामान बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया है। तो ये हमारा मैं इसको लगा देती हूँ, इसको लॉक कर देती हूँ तो ये हो चुका है रेडी। फ्रेंड्स कितनी सारी धूल हो चुकी है, कितना सारा गंदगी हो चुकी है और ये देखिए पूरा सामान इधर उधर हो चुका है। मैं इसको अच्छे से जमा लेती हूँ, है ना, जमाना तो पड़ेगा, कितना गंदा हो रहा है ये सब कुछ। सो फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है, ये देखिए आप लोग ये मेरे सामान पूरा अच्छे से जमा लिए हैं। क्या फेंक दो और क्या, फालतू चीज़ सब उठानी है। तो ये देखो ये मैंने अच्छे से जमा लिया है, अब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं बाकी का सामान जो बेड पर पड़ा हुआ है ये सब साफ कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है और ये देखिए अभी तो मेरे बाल सूखे नहीं हैं क्योंकि मैंने अभी 5 बजे नहाया है और राहुल अभी जस्ट ऑफिस से आते जा रहे हैं और बेडशीट भी बिछा ली है हमने, मतलब चेंज कर दी क्योंकि वो गंदी हो गई थी ना इसीलिए। और ये बंद कर दो ये सब कुछ, मैं आपको पूरा रूम दिखा देती हूँ अभी, मतलब सेटअप बना है बट अभी कल अच्छे से और करूँगी, अभी तो सिर्फ मोटा मोटा सफाई की है। और मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, आप लोग पूरा देख लीजिए।
फ्रेंड्स ये हुई है सफाई। ये राहुल यहाँ पे लोअर निकाला क्योंकि जस्ट वो ऑफिस से आते जा रहे हैं और राहुल ऑफिस से लेके आए हैं, अभी आए हैं मार्केट से, तो वो लेके आए हैं मेरे लिए ग्लूकोन-डी क्योंकि उनको पता है मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो गई ना, इसीलिए हो जाती है गर्मियों में काम करते करते, तो वो लाए हैं मेरे लिए यहाँ पे ग्लूकोन-डी। और ये ग्लूकोन-डी इतना बड़ा डिब्बा क्यों लेके आए आप राहुल? हाँ ज़्यादा एनर्जी आएगी इसलिए लेके आए हैं। उसके साथ ये बॉटल फ्री आई है, इसमें मैं अपना ग्लूकोन-डी शेक बना लूँगी, शेक करके ले जाया करूँगी। ओके तो थैंक यू सो मच राहुल ये लाने के लिए। ग्लूकोन-डी तो गर्मियों में अक्सर पीना चाहिए, इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और अपन थोड़े बैटरी फुल बनी रहती है बॉडी की, है ना। तो ये मेरा रूम हो चुका है, ये देखिए। अब कल ये अच्छे से फ्लोर वगैरह साफ़ करूँगी। और ये मैंने बेडशीट बिछा लिया, ये है जयपुरी रजाई। तो जयपुरी रजाई ये 100 ग्राम वाली रजाई है जो हम लोग जयपुर से लेके आए थे। और ये रजाई की खासियत ये है कि अगर इसको सर्दियों में ओढ़ेंगे तो ठंडी लगेगी और गर्मियों में बिछाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। तो हम लोगों ने आज पहले दिन बिछाई है इसको, तो देखते हैं। तो ये इसको ओपन कर रहे हैं राहुल। ये पेन से ओपन कर रहे हैं। टैलेंट राहुल, यू आर सो टैलेंटेड। ये लो आपके लिए बॉटल। थैंक यू, ये मेरी बॉटल है, इसमें अपना ग्लूकोन-डी बनाऊंगी। अब डस्टबिन में फेंक के आना, बिल्कुल भी कबाड़ा मत करना, कचरा मैंने सफाई की है। अब इसको मत खोलो, अभी नहीं पीना। पी लो। नहीं आज नहीं पीना, कल पीऊंगी। आज नहीं पीना ना, मैं कल पीऊंगी। आज ही पियो। नहीं राहुल, अभी समय सही है, तुमने भी काम किया है ना, अभी एनर्जी आ जाएगी चलने के लिए। नहीं अभी नहीं पीना मुझे। मैं बना के, मैं आज नहीं पीऊंगी, मैं कल पीऊंगी पक्का। ठीक है चले फिर अपन। अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, आप लोग बताइए मैं किसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके जैसा आप बताएंगे उस तरीके से मैं आपके लिए ब्लॉग बना कर लेंगे अच्छे से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय।